नॉर्मली विजुअल मीडिया में तो ऑडिशंस होते हैं, हाँ जी, क्या स्टेज में भी ऑडिशन होते हैं? बहुत सारी आपको वोकल एक्सरसाइजेस करनी होती है, पेट से बात करना, चेस्ट से बात करना, गले से बात करना। माता पार्वती, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने सुना नहीं होता है इस तरह के करेक्टर के बारे में, और बहुत ज़्यादा देखा नहीं होता है, पढ़ा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कहानियों में इसकी डिटेलिंग नहीं आई हुई होती है, तो इसकी तैयारी कैसी रही और कैसे प्रिपेयर किया? एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग अमेज़न और गूगल के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, Joint Films वेबसाइट पर अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल Joint Films YouTube चैनल। आज स्टेज भी जो है वो किसी फीचर फिल्म से कम नहीं रह गया है, उसमें भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारे नए तौर तरीके आजमाए जा रहे हैं, और एक ऐसा ही स्टेज प्ले है जय श्री राम रामायण, जिसकी तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही है। उसमें एक बहुत अहम किरदार निभा रही है प्रीत। वेलकम टू जॉइंट फिल्म्स। नाइस टू मीट यू। ओके प्रीत, तो इसमें क्या आप रोल प्ले कर रहे हैं स्पेशली? जी, मैं जय श्री राम रामायण में माता पार्वती का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। ओके, तो माता पार्वती, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने सुना नहीं होता है इस तरह के करेक्टर के बारे में, और बहुत ज़्यादा देखा नहीं होता है, पढ़ा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कहानियों में इसकी डिटेलिंग नहीं आई हुई होती है, तो इसकी तैयारी कैसी रही और कैसे प्रिपेयर किया? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जब मुझे भी पता चला कि रामायण में माता पार्वती और शिव हैं, तो मैं भी थोड़ी देर के लिए परप्लेक्स थी कि माता पार्वती मतलब रामायण में, देन माता पार्वती के बारे में कौन नहीं जानता, सीरियल्स बने हैं, बुक्स हैं, मिलुआ, और मुझे रीडिंग का काफ़ी शौक है। मैंने थोड़ा बहुत प्रिपरेशन वैसे ही ले लिया, बट अब पर्टिकुलरली इस प्ले में, इस ब्रॉडवे में माता पार्वती का कैरेक्टर एक डिफरेंट तरीके से दिखाया जा रहा है। वो माता हैं, बट अब उनके ना वो चुलबुली नटखटपन वाली नोकझोंक शिव के साथ शायद से किसी ने देखी नहीं होगी, ये उस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। सो इट्स अ यूनिक थिंग, इट्स अ काइंड ऑफ यूएसपी। ओके, आप तकरीबन कितने सालों से इस फील्ड में हैं एज एन एक्ट्रेस? 2015 से मैंने मिलन नामदार जी के साथ शुरू किया था थिएटर करना, और मैंने थिएटर ही किया है। ओके, तो ये भी एक अलग सी बात आपको देखने को मिलेगी। नॉर्मली ये होता है कि 5-6 साल जब कोई थिएटर कर लेता है तो वो सोचता है कि अब फिल्में करूँगा, अब थिएटर नहीं करूँगा, सीरियल करूँगा, अब थिएटर नहीं करूँगा, लेकिन आप पूरी तरह से थिएटर में ही रमी हुई हैं, उसी में जमी हुई हैं, तो इसकी कोई खास वजह? पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो थिएटर है, जब आप स्टेज पे होते हो तो जो ऑडियंस का रिएक्शन होता है वो इंस्टेंटली आपको बता देता है आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। जो कैमरा पे, आई पर्सनली फील कि मुझे भी करना है मीडिया में काम, बट मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि जब आप कैमरे के सामने होते हो आप हज़ारों कट्स, हज़ारों टेक्स देते हैं, और तब जाके एक जो होता है वो फाइनल होता है, वो ऑडियंस के सामने जाता है। यहाँ तो ऑडियंस आपको सामने, और बाद में रिव्यू आता है, यहाँ तो ऑडियंस आपको सामने बताती है कि आपके कैरेक्टर ने कितना उनका मनमोहा, दैट्स इट। वो राइट, थिएटर में एक बात और ख़ास होती है कि आपके जो डायलॉग्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, उनकी भाषा बहुत अलग तरह की होती है, तो उसको मेमोराइज करना, इसके लिए कुछ खास प्रैक्टिस, कुछ खास टेक्निक? खास प्रैक्टिस और खास टेक्निक तो ऐसा कुछ नहीं है, सबका अपना प्रिपरेशन होता है। बस थिएटर में ना एक चीज़ होती है कि आपको हर शब्द बहुत क्लैरिटी के साथ बोलना होता है, तो उसके लिए बहुत सारी आपको वोकल एक्सरसाइजेस करनी होती है, पेट से बात करना, चेस्ट से बात करना, गले से बात करना, फेक वॉइस भी आप कभी कभार यूज़ करते हो जब आप ऊँची वाली आवाज़ यूज़ करते हो, बट ऐसा अपना अपना प्रिपरेशन होता है हर किसी का, और इतने सारे रिहर्सल्स होते हैं कि आप रम जाते हैं उसमें, आपको फ्लुएंटली, आपको नींद से उठा के कोई बोले तो मैं शुरू कर दूंगी जय हो नटराज। ओके, नॉर्मली विजुअल मीडियम में तो ऑडिशंस होते हैं, हाँ जी, क्या स्टेज में भी ऑडिशन होते हैं? हाँ जी बिल्कुल। अब एक्चुअली में थिएटर नॉर्मल ऐसे वॉक इन या जान पहचान उतनी तक सीमित नहीं है। अब जैसे बड़े बड़े शोज़ होते हैं, जैसे ये है, ये हमारा रामायण जैसे ब्रॉडवे है, इसके लिए भी एक ऑडिशन प्रोसेस था, देन एक रीडिंग थी कि आप रीड कैसे कर सकते हो, उसके बाद आपको कैरेक्टर के लिए फाइनलाइज किया जाता है, तो डेफिनेटली द ऑडिशंस। तो ठीक है, अभी हम प्रीत को देख रहे हैं स्टेज शोज में, और बहुत जल्दी देखेंगे विजुअल मीडियम में, और उसके बाद फिर से इंटरव्यू करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।
थैंक यू। तो एज एन एक्टर ये आपके ऊपर है कि आप किस मीडियम से शुरुआत करते हैं, पहले उसको अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए, और तभी आपको जब खुद लगने लग जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए, तो फिर मंजिल आपके सामने होगी। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।